नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, काल के कपाल पे लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। नमस्कार, स्वागत है आपका क्यूरियन में और मैं अंकुर अस्थाना स्वागत करता हूँ आप सभी दर्शकों का। लेकिन उससे पहले आपको जो खास चर्चा है उससे पहले क्रिसमस डे की शुभकामनाएं दूंगा और बोलूंगा कि आप इस खास त्यौहार में और साल के अंत में खुशहाल रहें और नए साल का आगाज जो होने वाला है उसमें अपने आप को स्वस्थ रखें और अपनी दिनचर्या में जो अभी तक गलत रही है उनको सुधारें। और तो और आज सभी भारतवर्ष में एक खास दिन के तौर पर इस दिन को देखा जाता है क्योंकि भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी का आज पावन जन्मदिन है और इसी उपलक्ष में आज अटल जी को लेकर, उनकी भावनाओं को लेकर, उनकी स्थिति को लेकर, उनकी कविताओं को लेकर मैं हाजिर हूँ अपने चैनल में और बात करूँगा उनकी लेखनी की, उनकी कार्यक्षमता की और फिर उनके स्वास्थ्य की भी। और वहीं कुछ युवा लोगों से भी जानूंगा कि अटल जी जो एक मिसाल के तौर पर हमारे देश में पूर्व प्रधानमंत्री रहे, भारत रत्न रहे, भारत रत्न की आप अहमियत जानते हैं कि हमारे देश के अनमोल हीरे हैं जिस कारण उन्हें इतनी बड़ी ख्याति मिली है हमारे देश में, और युवा पीढ़ी उनके आज खास जन्मदिन पर क्या सोचती है। कृष्णा देवी और कृष्णा बिहारी लाल के लाल अटल बिहारी वाजपेयी ग्वालियर में जन्मे, ग्वालियर मध्य प्रदेश में, और उसके बाद उन्होंने काफ़ी संघर्ष करके एक ऐसे देश का निर्माण किया, एक ऐसी अपनी छाप छोड़ी जो हर किसी के लिए मिसाल साबित हुई। अटल बिहारी वाजपेयी वास्तव में अटल थे क्योंकि जब वो अपनी बातें बोलते थे, अपनी बात कहते थे तो सामने वाला सिर्फ सुनता ही था, उनके विरोधी दल भी उनके सामने कुछ बोल नहीं पाते थे। अटल बिहारी वाजपेयी जो छवि रखते थे, जिस चीज़ को समझते थे, वो कहीं ना कहीं समाज के लिए बहुत बड़ा आईना है। हम ये भी कहना चाहते हैं कि अटल जी ने अपने कार्यभार में कई सारी बुलंदियां छुई, कई सारी चीज़ों को उन्होंने समझा, देश को एक नई दिशा और नए आयाम की तरफ ले गए, युवाओं को कई सारी चीज़ें बताई। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि आज की जो युवा पीढ़ी है वो अटल जी के क्या आदर्शों पर चलती है, क्या उनके भाषणों को, उनके वक्ताओं को सुनती है, इन सभी चीज़ों को जानना हमें भी ज़रूरी हो जाता है। अटल जी के लिए आज उनका जो जन्मदिन है वो कहीं ना कहीं युवा पीढ़ी के लिए ही हमेशा सोचते रहें और भारत रत्न के तौर पर उनको ये सम्मान दिया गया था कि वो खुद में अपने आप में बहुत बड़ी मिसाल थे। उनकी कविताएं आज भी लोगों के जहन में रहती हैं, वो उनके भाषण, चाहे वो उनके कदम मिलाकर चलना की लाइन हो, चाहे फिर उनकी किसी भी चीज़ को हम सोचें, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, इन सारी लाइनों में कहीं ना कहीं मिसाल रहता है। फिलहाल अगर हम उनकी बात करूं तो इसी साल में उनका देहांत हो गया था, 16 अगस्त को उन्होंने अंतिम सांस ली थी और डिमेंशिया जैसी गंभीर बीमारी से वो जूझते रहे, संघर्ष करते रहे अपनी बीमारी से, और उस बीमारी में उन्होंने आखिरी सांस 16 अगस्त में ली। हालांकि अटल जी एक बहुत ही कर्मठशील नेता रहे, बहुत ही अच्छे वक्ता रहे, बहुत ही अच्छी कविताएं लिखते थे वो, और उनकी हर कविता में कहीं ना कहीं एकता की और अखंडता की बात आती थी। वो मिसाल पेश करते थे, कई चीज़ें वो ऐसी कर जाते थे जो हर किसी के बस की बात नहीं होता। हम आज उन्हीं के खास जन्मदिन में और भी युवा पीढ़ी मेरे सामने है, अटल जी को मिसाल मानती है, उसी में हम मेरे सामने रिजवान जी हैं। रिजवान जी, अटल जी का आज जन्मदिन है और उनसे आपको क्या सीखने को मिलता है? पूर्व प्रधानमंत्री हैं रहे, वो भारत रत्न रहे, तो आपको उनसे क्या सीखने को मिलता है? देखिए, बिल्कुल अंकुर जी सही कहा आपने कि अटल बिहारी वाजपेयी जी अपने आप में एक बड़ी शख्सियत थी, उनसे जितना सीखा जाए उतना कम था, क्योंकि एक पत्रकार के तौर पर, एक वक्ता के तौर पर लेखन की कला और लोगों के अंदर ये समझाने की कोशिश कि हर एक मुश्किल परिस्थिति में किस तरीके से काम निकालना चाहिए, कितनी सहन शक्ति हर एक इंसान के अंदर होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें अटल बिहारी वाजपेयी जी से सीखा जा सकता है और हर एक व्यक्ति को सिखाने की कोशिश की थी। खैर, अगर देखा जाए तो जिस तरीके से उनका राजनीतिक करियर था वो कहीं ना कहीं लोगों को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते थे, और अब जब फिलहाल वो अपने अंतिम छोर पर थे, यानी कि बीमारी जैसी डिमेंशिया की बीमारी हो गई और भी कई ऐसी सारी बीमारी थी जो
बिल्कुल पूरी तरीके से तोड़ कर रख दिया था, यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी को। तो ये कहीं ना कहीं दिखाने की कोशिश कर रही थी कि उससे भी लड़ने में पूरी तरीके से कोशिश की अटल बिहारी वाजपेयी ने। लेकिन कहते हैं कि वक्त का कुछ पता नहीं होता और कब यानी कि हम इस दुनिया से चले जाएँ ये मतलब कोई नहीं कह सकता है। यानी जाते जाते भी लोगों को ये बता दिया था कि हमें कभी भी हार नहीं हारनी चाहिए। कुछ पंक्तियाँ हैं उनकी जिस तरीके से अभी आप यानी कि बताते आ रहे थे कि हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ और नए गीत गाते जाता हूँ। तो कुछ ये ऐसी पंक्तियाँ हैं जो लोगों को हमेशा लुभाती रहती हैं। तो ये कहीं ना कहीं अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सिखाया है लोगों को कि सहन शक्ति के साथ और हर एक मुश्किल परिस्थिति में जीना हमें आना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। मध्य प्रदेश में जन्मे अटल जी एक नई मिसाल बनते चले गए। उन्होंने जयप्रकाश नारायण से सीख ली और उनके साथ मिलकर उन्होंने कविता लिखी थी कदम मिलाकर चलना है, और उसी में कहीं ना कहीं उनकी पार्टी टूटती हुई नजर आई। फिर बाद में उन्होंने संघर्ष करके फिर से एक बार स्थापित कर दिया खुद को और आखिरी दम तक लड़ते हुए प्रधानमंत्री पद तक बने। शुरुआत में 15 दिन के लिए बने, फिर उसके बाद उन्होंने कार्यभार जो है 5 साल के लिए संभाला। अविनाश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आज अटल जी का जन्मदिन है और क्रिसमस डे है, दोनों बड़े दिन हैं। और अटल जी एक अटल कर्मठशील एक लेखक भी रहे, कविताएं भी लिखते थे, एक अच्छे वक्ता भी रहे और विरोधियों पे वार जो करते थे वो अपनी कविताओं के माध्यम से करते थे। उनकी छवि से आपको क्या लगता है? देखिए अंकुर, अगर पर्सनली मेरी बात की जाए तो मैं बड़ा इंस्पायर हुआ हूँ अटल बिहारी वाजपेयी से। अब बहुत कम हमारे देश में ऐसे प्रधानमंत्री रहे हैं जिन्होंने एक बोल्ड स्टेप लिया है। और मैं अगर अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात करूँ तो जब उनकी गवर्नमेंट आई थी, क्योंकि हम आपने भी पॉलिटिक्स इतना कवर किया है आप जानते होंगे, बहुत कम पॉलिटिशियंस हैं जिनको सम्मान से याद किया जाता है, चाहे अपोजिशन हो चाहे कोई भी लोग। आज भी उनको सम्मान दिया जी, बिल्कुल। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी को जिस तरह से राजकीय सम्मान दिया गया था वो उस लायक थे। आप देखिए जब वो प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने एक जो परमाणु परीक्षण था जो हमारे देश को उन्होंने जो दिया है वो शायद हर किसी के बस की बात नहीं होती है। हमारे लिए कहना आसान है लेकिन एक प्रधानमंत्री के लिए इस तरह का डिसीजन लेना एक बहुत बड़ी बात है। और जिस तरह से परमाणु परीक्षण जो है सफल हुआ उसके बाद ये बात तय हो गई थी कि एक नया भारत का जन्म हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक और जो स्कीम मैं चाहता हूँ मतलब बताना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ये विज़न जो था ये अटल बिहारी वाजपेयी जी का ही था। आज जो लाखों करोड़ों गाँवों में जो सड़कों का जो निर्माण हुआ है, जो मेंटेनेंस होता है, ये देन अटल बिहारी वाजपेयी जी की है। और उनकी पंक्तियाँ मैं एक बार फिर से याद दिला दूँ क्योंकि लोग जो है वो सुन चुके हैं इनकी कविताएं, लेकिन उनकी जो ये लाइन है ये बड़े दिल के करीब है। और मैं एक बार फिर बता दूं इनकी जो पंक्तियां हैं, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, मैं गीत नया गाता हूँ। तो कहीं ना कहीं अपनी कविताओं के माध्यम से अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सम्मान जो पाया है, हमारे दिल में जो इज्जत है वो शायद कभी कम नहीं। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा अविनाश जी ने। वो कहते रहते थे कि हार नहीं मानूंगा, रात नहीं ठानूंगा, और वो इस बात को सिद्ध करते थे। हम चाहे बात करें अपने विरोधी उनके विरोधी दलों की, उनके विरोधी दल भी उनके सामने ऐसा नहीं बोल सकते थे कि उन्हें कोई कुछ भी बुरा लगे। वो अपनी कविताओं के माध्यम से ही लोगों को दिल की बात कह जाते थे। उनकी सबसे बड़ी बात उनकी राजनीति छवि देख ली थी पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जब उन्होंने बोला था और जैसे ही उन्होंने बोला कि हम क्या करने आए, हमारी सोच क्या है, उसी सोच को भाप कर ही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बोला था कि तुम आने वाले समय में एक बड़े राजनेता बनोगे भारत के, और वो साबित भी किया उन्होंने। हमारे सामने अनुज जी हैं। अनुज जी, आज अटल जी का जन्मदिन है और उनको राजकीय सम्मान दिया गया है, पद भारत रत्न रहे और काफ़ी सारे सम्मान रहे और देश के लिए उन्होंने काफ़ी कुछ किया। आपको क्या लगता है युवा पीढ़ी के लिए वो क्या सीख दे गए और उनसे क्या मिलता है सीखने को? ये युवा पीढ़ी के लिए एक सीख नहीं है, ये पूरी भारतवर्ष की राजनीति को अगर सीखना चाहिए तो अटल बिहारी वाजपेयी जैसे व्यक्तित्व से सीखना चाहिए। क्योंकि अगर अटल बिहारी वाजपेयी ने एक राजनीति का एक अलग आयाम दिया तो उन्हीं के ही कहीं ना कहीं एक स्वभाव से, एक नेचर से जो अलग कहते थे कि एक जो विरोधी भी थे तो उनके कहीं ना कहीं प्रशंसक माने जाते थे। अगर वो सदन में खड़े होकर भी कुछ बोलते थे तो विरोधी भी उनकी बिना काटे बात को सुना करते थे। जी, एक जनसंघ जो दो सीटों से लेकर के आज बीजेपी इतनी बड़ी बहुत बड़ी देश की पार्टी बन चुकी है, तो एक उन्हीं की देन है कि उन्होंने एक
अलग पॉलिटिकल यानी कि राजनीति को एक अलग आयाम पर पहुंचा करके उन्होंने कभी गंदी राजनीति जो आजकल की राजनीति चल रही है, आप देखते हैं कि किस तरीके से लोगों पर एक दूसरे पर प्रहार किया जाता है, एक दूसरे पर कटाक्ष किए जाते हैं, लेकिन आज अटल बिहारी वाजपेयी के समय आपने साफ सुथरी राजनीति देखी होगी। हालांकि ऐसी भावनाएं सबके मन में रहती हैं क्योंकि राजनीति कांग्रेस भी रही है, विपक्ष में कांग्रेस रही है और वो लगातार अटल बिहारी वाजपेयी का उन्होंने भी विरोध किया है, लेकिन उस जिस तरीके से आज प्रधानमंत्री मोदी का किया जाता है, लेकिन उस समय अटल बिहारी वाजपेयी का, क्योंकि उन्होंने अपने व्यक्तित्व से सबको अपनी तरफ आकर्षित किया था। वो कहते थे उनकी क्योंकि वो एक कवि भी थे, एक पत्रकार भी थे, एक लेखक भी थे, सारी चीज़ें उनके अंदर एक इंसान के अंदर समाई हुई थी। उन्होंने एक संदेश दिया था अपनी कविता के माध्यम से कि छोटे मन से कोई खड़ा नहीं होता, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता है। तो बहुत सारी ऐसी कविताएं हैं और जब उनका देहांत हुआ था, पूरा देश पूरा गमगीन हो गया था, पूरे हिंदुस्तान में एक ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं, क्योंकि जब तक वो बीमार थे तो किसी को अंदाज़ा नहीं था, क्योंकि लग रहा था कि वो जिंदा है, लेकिन जब वो देहांत हुआ तो पूरे देश में ऐसा लग रहा था कि हमने बहुत बड़ा राजनेता खो दिया है, जिसने कहीं ना कहीं एक बहुत क्षति पहुँची थी बीजेपी को। और बीजेपी अगर उनके एक शब्दों से भी अगर सीख ले तो जो आज की राजनीति वो करती है कहीं ना कहीं वो सही हो जाएगी। जी बिल्कुल, बात बात में उन्होंने काफ़ी बड़ी बात कह दी। हाँ, खोया तो है अटल बिहारी वाजपेयी जी इसी साल 16 अगस्त 2018 को दुनिया से अलविदा कह गए। अलविदा तो कह गए लेकिन अभी भी वो हमारे जहन में जिंदा है, हर 125 करोड़ हिंदुस्तानियों के दिल में जिंदा है, और उनकी जो कविताएँ हैं वो आज भी हमारे देश के प्रति हमारा प्यार जैसा होता है वो दर्शाती है। बिलाल अटल जी डिमेंशिया से पीड़ित रहे थे और लंबी बीमारी के चलते उनका निधन हो गया था, और 7 दिन का राष्ट्रीय शोक भी किया गया था उनके लिए, सरकार ने किया था, और ये सम्मान उनकी व्यक्तित्व को ही दर्शाता था जिसका रंग हुआ था। फिलहाल आज हमने आपसे चर्चा की थी भावी प्रधानमंत्री रह चुके अटल बिहारी वाजपेयी को लेकर। और भी ताज़ा हेल्थ की सारी जानकारी जानने के लिए आप हमारे चैनल क्यूरिन ही आयुर्वेदा से जुड़े रहिए और हमेशा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। नमस्कार।